नमस्ते, जय श्री राम। कभी आपने सोचा कि पहले के जमाने में जब राजा महाराजा पांच पांच छह छह विवाह करते थे, फिर भगवान श्री राम ने एक विवाह क्यों किया? उनके भाई लक्ष्मण वो भी राजा बने बाद में, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? उनके भाई भरत वो भी राजा बने, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? शत्रुघ्न जी भी बाद में राजा बने, उन्होंने एक विवाह क्यों किया? अच्छा चलो, एक एक विवाह तो समझ में आता है। कभी आपने यह सोचा कि भगवान राम के दो ही बच्चे क्यों थे? लक्ष्मण जी के केवल दो बच्चे क्यों? भरत जी के केवल दो बच्चे क्यों? शत्रुघ्न जी के केवल दो बच्चे क्यों? क्योंकि उस समय तो बच्चे भी पांच बच्चे, छह बच्चे, आठ बच्चे हुआ करते थे। भगवान श्री राम ने जब राजपाट संभाला तो उन्होंने सबसे पहले जो पहला नियम बनाया, पहली नीति बनाई, वो थी हम दो, हमारे दो, सबके दो। और प्रजा को अस्पष्ट संदेश देने के लिए उस पॉलिसी को भगवान श्री राम ने खुद लागू किया अपने ऊपर, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने अपने ऊपर लागू किया, चारों भाइयों ने एक एक विवाह किया और चारों भाइयों के केवल दो दो बच्चे हुए। यह कोई एक्सीडेंटल नहीं था कि सबने एक ही एक विवाह किया, यह कोई संयोग नहीं था कि सबके दो ही दो बच्चे हुए, नहीं, यह बाकायदा उस समय की जनसंख्या नीति थी। मानव इतिहास में सबसे पहले एक पति और एक पत्नी का नियम लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। मानव इतिहास में सबसे पहले हम दो, हमारे दो, यानी दो बच्चों की नीति लागू करने वाले भगवान श्री राम हैं। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भी इसका वर्णन है, तुलसीदास जी ने इसको लिखा हुआ है और वाल्मीकि जी ने भी इसको उत्तर कांड में लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। द्विसुत सीता सुंदर जाए, लवकुश वेद पुराण गाए, ऐसे इसमें चौपाइयां हैं। दुर्भाग्यवश हमने, भारत ने कभी रामचरितमानस और राम राज्य के ऊपर कभी चर्चा ही नहीं किया। राम राज्य में क्या क्या नियम थे, क्या क्या नीतियां लागू हुई थी, उस पर हमने चर्चा ही नहीं किया। न ही दरिद्र को दुखी न दी ही ना, न ही कोई अबुध न लक्षण ही ना। भगवान श्री राम के समय में न कोई अशिक्षित था, न कोई दरिद्र ना था, न कोई दुखी था। क्यों? क्योंकि उस समय हम दो, हमारे दो, सबके लिए लागू थी। और आज भी देख लीजिए, जहां हम, जो परिवार हम दो, हमारे दो नियम का पालन करते हैं, वहां अपेक्षाकृत ज्यादा शांति है, ज्यादा खुशहाली है, वो परिवार ज्यादा सुखी है। और जो हम दो हमारे दस, हम दो हमारे बारह इस तरीके से कर रहे हैं, वहां ज्यादा बदहाली है। जब तक सरकार 2 करोड़ घर बना के देती है ना, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, इस समय भारत में 90,000 बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं, पर डे 90,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 90,000 बच्चे का मतलब हुआ 27 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ हर साल 3.25 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। साल में बच्चे पैदा हुए 3.25 करोड़, इसमें से मात्र 1.25 करोड़ बच्चे, 1.25 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के ऊपर पैदा होते हैं, बाकी 2 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा होते हैं। इसका मतलब 5 साल में घर बनेगा 2 करोड़ और 5 साल में गरीबी रेखा के नीचे बच्चे पैदा हो जाएंगे 10 करोड़, क्योंकि 3.25 करोड़ बच्चे साल भर में पैदा हुए, 1.25 करोड़ उसमें गरीबी रेखा के ऊपर है, बाकी 2 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे है। हर साल 2 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा, हर साल 2 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो रहे, इसका मतलब 5 साल में 10 करोड़ बच्चे गरीबी रेखा के नीचे पैदा हो गए। तो सरकार जब तक 2 करोड़ घर बना के देगी, 10 करोड़ गरीब बच्चे और पैदा हो जाएंगे, जो फिर से कहेंगे हमको भी मकान चाहिए। तो ऐसे तो कभी घर की समस्या खत्म नहीं होगी। चलो अच्छा, घर बन भी जाएगा तो घर बनाने में पानी चाहिए। पानी हमारे पास कहां है? हमारे पास तो दुनिया का मात्र 2% जमीन और 4% पानी। घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन हमारे पास कहां है? जमीन तो हमारे पास दुनिया की 2% है। तो यानी जब घर बनेगा, या तो खेल के मैदान पे बनेगा, या तो जंगल काट के बनेगा, या नदी का जो किनारा होता है उसको पाट पाट के बनेगा, या तो तालाब को पाट के बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसे ही होगा, या तो जहां खेती होती वहां घर बनेगा। अब जब खेती होती वहां घर बन जाएगा, तो फिर खेती के लिए जमीन कहां से आ गई? क्योंकि जमीन तो बढ़ नहीं रही है। भारत की जो जमीन है वो तो फिक्स है, जंगल तो बढ़ नहीं रहा, जंगल तो काटा जा रहा है, जमीन तो बढ़ नहीं रही, जमीन तो सिकुड़ती जा रही, खेती वाली जमीन भी सिकुड़ती चली जा रही है, तालाब भी खत्म होते चले जा रहे हैं, नदी के किनारे मकान बनते जा रहे हैं तो नदियां भी सिकुड़ती चली जा रही, जंगल काट के मकान बन रहे हैं तो जंगल भी सिकुड़ते जा रहे हैं। तो जितना ज्यादा घर बनाएंगे उतना ज्यादा जमीन और कम होती चली जाएगी। अच्छा, घर बनाने के लिए पानी चाहिए, पानी हमारे पास कहां है?
हमारे पास दुनिया का मात्र 4% पानी है, मात्र 4%। जमीन 2% है, पानी 4% है, जनसंख्या दुनिया की हमारी 20% हो चुकी है। इसके बावजूद हम वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, 90,000 बच्चे पर डे, 27,00,000 बच्चे पर मंथ और 3.25 करोड़ बच्चे पर ईयर। 90,000 बच्चे पर डे दुनिया में कहीं नहीं पैदा होते। चीन का क्षेत्रफल जो हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन का क्षेत्रफल, वहां भी 46,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर डे, और हमारे यहां 90,000, लगभग लगभग डबल बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर एरिया वाइज उठा के देख लीजिए, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है और हम 150 करोड़ हो चुके हैं। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है, रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, चीन की जनसंख्या 145 करोड़ है और हम लगभग 150 करोड़ हो चुके हैं। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 4 करोड़ है और हम 150 करोड़। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 22 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा है, जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है और हम 150 करोड़ है। तो अगर आप एरिया के हिसाब से भी देखिए तो हमारे पास तो जमीन बहुत कम है, जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। नतीजा क्या हो रहा है? कितनी भी ट्रेन चला लीजिए, वेटिंग कम हो ही नहीं रही। कितनी भी ट्रेन चला लीजिए, ट्रेन में वही भीड़भाड़ चल रही है। अगर आप भारत की समस्याओं की रूट काज एनालिसिस करिए, भारत में अशिक्षा का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। हमारे दो वाले बच्चे को अच्छी परवरिश करते हैं, अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कार देते हैं, जिनके 10 बच्चे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, वो अशिक्षित रह जा रहा है बच्चा। बेरोजगारी का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। सरकारी नौकरी में तो है नहीं, हाँ प्राइवेट नौकरियां जो स्वरोजगार के जरिए नौकरी पैदा होती है वो भी साल में 2 करोड़ पैदा हो पाती है। और मैंने पहले कहा था, साल में 2 करोड़, जब तक 2 करोड़ स्वरोजगार बनता है तब तक बेरोजगार पैदा हो जाते हैं, उसका कई गुना बेरोजगार ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए बेरोजगारी भी खत्म नहीं हो रही है, बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है। पहले भारत में आजाद, जब हम लोग आजाद हुए उस समय मात्र 10% हमारे यहाँ गरीब थे, 90% लोग गरीबी रेखा के ऊपर थे। अभी उल्टा हो चुका है, अभी 60% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, गरीबी बढ़ रही है। जब भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी तो भारत में 4 करोड़ गरीब थे, भारत की जनसंख्या 150 करोड़ हो चुकी है तो गरीब 81 करोड़ हो चुके हैं। 81 करोड़ मुफ्त में लोगों को राशन दिया जा रहा है, इसका मतलब 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है, क्योंकि गरीबी रेखा के ऊपर वालों को तो अनाज दिया नहीं जाता। तो अशिक्षा का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है, बेरोजगारी का मूल कारण भी जनसंख्या विस्फोट है, कुपोषण का भी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जो लोग इलाज कराने आते हैं जिनको कुपोषण की समस्या है, एक बार उन पर सर्वे कर लीजिए। हमारे दो वालों को कुपोषण कम होता है, ज्यादातर कुपोषण किसको है? जिसके 10 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 12 बच्चे। इसी तरीके से एयर पोल्यूशन का रूट काज जनसंख्या विस्फोट है, हवा शुद्ध मिल ही नहीं पा रही, और एयर पोल्यूशन के कारण 100 बीमारियां पैदा होती हैं, यानी जो बीमारी बढ़ रही है तेजी के साथ, इसका मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। वाटर पोल्यूशन के कारण लोग गंदा पानी पीने के कारण लगभग 100 बीमारियां पैदा होती हैं, और गंदे पानी का मूल कारण क्या है? जनसंख्या विस्फोट। क्योंकि पानी हमारे पास ग्राउंड वाटर तो हमारे पास मात्र 4% है, और वो पानी इतना तेजी के साथ निकल रहा है घर बनाने में, मकान बनाने में, फैक्ट्रियों में, बाकी कामों में। 20 से 30 साल के बाद ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। भाई ग्राउंड वाटर बढ़ थोड़ी रहा है, ग्राउंड वाटर वो तो नहीं है, लगातार निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, मकान बनाने में निकल रहा है, फैक्ट्री बनाने में निकल रहा है। हम जब रोजगार बढ़ाने के लिए फैक्ट्रियां लगाते हैं उसमें भी पानी निकलता है, तो पानी तो नीचे खत्म हो रहा है, और खत्म हो रहा है तो पानी तो नीचे बढ़ेगा नहीं। एक दिन ऐसा आएगा 20-25 साल के बाद एकदम खत्म हो जाएगा। भारत के कई राज्यों में पानी खत्म हो चुका है, आप देख लीजिए, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां का ग्राउंड वाटर तेजी के साथ डाउन नहीं जा रहा। दिल्ली का तेजी के साथ जा रहा है, यूपी के नीचे जा रहा है। आप अपने अपने जिले में पता कर लीजिए कि आपका ग्राउंड वाटर पहले कितने लेवल, कितने नीचे था, अभी कितना नीचे जा चुका है। तो पानी तो बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है। नॉइज पॉल्यूशन के कारण 50 बीमारी होती है, नॉइज पॉल्यूशन का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट। लैंड पोल्यूशन के कारण जो जमीन गंदी हो जाती है, जब जमीन गंदी हो जाती है तो जमीन से पैदा होने वाली हर चीज गंदी होती है। गेहूं गंदा पैदा होगा, सब्जी गंदी पैदा होगी, हर चीज, अगर आपका जमीन ही गंदी हो गई तो लैंड पोल्यूशन के कारण लगभग 100 बीमारियां पैदा होती है। डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है तो घूसखोरी बढ़ती है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई कम होती है तो कमीशनखोरी बढ़ जाती है। किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती तो दलाली बढ़ती है, यानी भ्रष्टाचार का भी बहुत बड़ा कारण जनसंख्या विस्फोट है। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है
सप्लाई कम होती तो जमाखोरी बढ़ती है, डिमांड ज्यादा होती सप्लाई कम होती तो मिलावटखोरी बढ़ती है, डिमांड ज्यादा होती सप्लाई कम होती है कालाबाजारी बढ़ती है। भारत में 70% लोग नकली दूध पी रहे हैं, गंदा दूध पी रहे हैं, मतलब हवा भी गंदी, हवा गंदी है, पानी गंदा है, सब्जी गंदी है, अनाज गंदा है, सब में मिलावटखोरी, और दूध में भी मिलावटखोरी, दही में भी मिलावटखोरी, पनीर में भी मिलावटखोरी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम मिलावटी नहीं मिल रही है। इसके बावजूद भगवान राम की उस हम दो हमारे दो नीति पर चर्चा ही नहीं हो रही है। अपराध आप किसी भी जेल में सर्वे करा लीजिए, हम दो हमारे दो वाले बहुत कम अपराधी मिलेंगे, ज़्यादातर अपराधी मिलेंगे जो 8-10 भाई बहन हैं। आप किसी भी जेल में सर्वे करा लीजिए, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो गायनोलॉजिस्ट होती हैं, जो महिलाओं का उपचार करती हैं, उनसे बात करके देख लीजिए, उनके यहाँ जितनी महिलाएं आ रही हैं उसमें ज़्यादातर बीमारियों का मूल कारण है उनके बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें दुनिया भर की बीमारी हो रही है, कभी इसकी समस्या कभी उसकी समस्या, कोई ना कोई समस्या बढ़ती जा रही है। तो अगर आप भारत की समस्याओं की देखिए, 50% से ज़्यादा समस्याओं का मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, जल जंगल जमीन की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, गरीबी भूखमरी कुपोषण प्रदूषण की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, बढ़ते अपराध की समस्या मूल कारण है जनसंख्या विस्फोट, जितने और भी समस्याएं उनका मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि भारत में राम राज्य स्थापित हो, राम राज्य का मतलब सबल भारत हो, साक्षर भारत हो, स्वस्थ भारत हो, समृद्ध भारत हो, सशक्त भारत हो, समावेशी भारत हो, स्वावलंबी भारत हो, स्वाभिमानी भारत हो, संवेदनशील भारत हो, भारत में गरीबी भुखमरी खत्म हो, शांति आए, समृद्धि आए, खुशहाली आए, तो हमें सबसे पहले संविधान में जो लिखा हुआ है ना, हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन कंट्रोल। और अच्छी बात यह है कि संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग लिखा हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकता है, राज्य सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बना सकती है। चूंकि जनसंख्या विस्फोट राष्ट्रीय समस्या है, किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, केरल सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य माना गया, वहां भी 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 14-14 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो जनसंख्या विस्फोट ऐसा नहीं केवल बंगाल की समस्या है या बिहार की समस्या है या यूपी की समस्या, पूरे भारत की समस्या है। और वैसे भी हम दो हमारे दो अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो कोई जेल भेजेगा नहीं भाई, जेल तो वो जाएगा ना जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। ये जनसंख्या विस्फोट एक राष्ट्रीय आपदा है, ये जनसंख्या विस्फोट बम विस्फोट से भी ज्यादा खतरनाक है। सरकार कुछ भी कर ले, जब तक हम दो हमारे दो लागू नहीं होगा तब तक कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा जमीन पे। टैक्स पेयर टैक्स दे दे के परेशान हो जाएंगे, जीएसटी देने वाले जीएसटी देते देते मरे जा रहे हैं, इनकम टैक्स देने वाले इनकम टैक्स देते देते मरे जा रहे हैं, सरकार का खजाना भर नहीं रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा गरीबी बढ़ती जा रही है कि गरीबों के लिए जो मुफ्त वाली योजनाएं ला ला के सरकारें तो बन जा रही हैं मुफ्त की योजनाएं ला के, कोई खटाखट स्कीम लागू कर रहा है, कोई फटाफट का वादा कर रहा है, वादा करता कोई झटाझट का वादा कर रहा है, कोई कुछ ऐसे वादा कर करके लोग चुनाव तो जीत जा रहे हैं, लेकिन टैक्स पेयर के ऊपर इतना बर्डन बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाएं और हम दो हमारे दो सबके दो लागू अनिवार्य करें। कानून कठोर होगा तभी सफल होगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। इसलिए जो हम दो हमारे दो न माने उसकी नागरिकता खत्म करने का प्रावधान होना चाहिए। केवल वोटर आईडी खत्म करने से नहीं, वोटिंग राइट खत्म करने से बात नहीं बनेगी, सिटीजनशिप खत्म करना पड़ेगा। जो हम दो हमारे दो न माने उसकी सिटीजनशिप खत्म किया जाए, जो हम दो हमारे दो न माने जाए उसको 5 से 10 साल के लिए जेल में भेजा जाए, जो हम दो हमारे दो न माने उसके ऊपर कठोर आर्थिक दंड भी लगाया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये कानून सफल होगा, सब लोग हम दो हमारे दो मानेंगे, और हम दो हमारे दो मानेंगे तो भारत बहुत तेजी के साथ विकास करेगा। चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ था, हम 1947 में आजाद हुए थे, चीन 1949 में आजाद हुआ था, 1949 में चीन आजाद हुआ, 1950 में उसने हम दो हमारे दो लागू कर दिया, आजादी के 1 साल बाद लागू कर दिया। हमने अगर लागू कर दिया होता ना तो आज हमारी जनसंख्या मुश्किल से 90 करोड़ होती, आज हम 150 करोड़ हो रखे हैं, मुश्किल से 90 करोड़ होते। आप समझिए ना, 90 करोड़ होती तो कितनी बेरोजगारी कम होती, कुपोषण कम होता, इतना जो बाकी और एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन बढ़ रहा है ये भी कम होता। सर्वे बताता है कि चीन ने 70 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया, जो 1950 में कानून बनाया उसका नतीजा हुआ कि चीन ने 70 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोक दिया। और देख लीजिए चीन विश्व महाशक्ति बन गया। चीन के विश्व महाशक्ति बनने का जो सबसे मेन कारण है वो है हम दो हमारे दो सबके दो। चीन ने दो ही काम बढ़िया किया,
कठोर जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाया और कठोर भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाया। चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी दी जाती है, भारत में तो आज तक किसी को हुई नहीं है, चीन में फांसी दी जाती है। ये दो कानून चीन ने बनाया, विश्व महाशक्ति बन गया। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम उन पॉलिसीज को भारत में लागू करिए और भारत को बर्बादी से बचाइए।